संभल जनपद के बनियाठे थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में एक गिरफ्तार, 5 अभियुक्त फरार। संभल जनपद के बनियाठे थाना क्षेत्र के गुमथल मोड़ पर दिनदहाड़े हुई हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया कि मृतक पिंटू ठाकुर की हत्या संपत्ति के लेन देन और प्रधानी की चुनावों की रंजिश की वजह से पैसे देकर जगराव के प्रधान योगेंद्र और उसके भाई पुष्पेंद्र ने 3 लाख रुपए कराई थी और पैसे काम हो जाने के बाद देने तय हुए थे। 20 मई को पिंटू ठाकुर नामक व्यक्ति का चंदौसी मंडी के पास में मर्डर किया गया था दिन दहाड़े। इस जब घटना के संबंध में बनियाठी पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई तो ये प्रकाश में आया कि पुष्पेंद्र और योगेंद्र सिंह जो प्रधान है इनकी रंजिश चल रही थी, काफ़ी पुरानी रंजिश, प्रधानी की रंजिश थी और पैसे और ज़मीनी विवाद की भी रंजिश थी। इसकी वजह से रंजिश में योगेंद्र प्रधान को ये लग रहा था कि अगर मैंने इसका मर्डर नहीं करवाया तो ये हमारा मर्डर करवा देगा। इतनी रंजिश के चलते हुए इन लोगों ने किराए के शूटर्स जो है अरेंज किए, 3 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। पहले एक कमरा मुरादाबाद में लेके रखा गया, पहले इस मर्डर की योजना जो है मुरादाबाद में किए जाने की योजना इन लोगों ने बताई, इसीलिए योजना मुरादाबाद में एक कमरा लिया गया आरटीओ ऑफिस के पास। लेकिन वहाँ जब ये सफल नहीं हो सके तब इन्होंने एक चंदौसी में कमरा लिया, वहाँ 3 दिन ये लोग रहे और उसके बाद एक शूटर, ये जो विजय नाम का शूटर है इसके साथ 3 शूटर और थे, इन लोगों ने मिलकर उस दिन उसकी हत्या की। इस तरीके से इस घटना का पर्दाफाश हुआ है। अभी तक की विवेचना में ये 4 शूटर और योगेंद्र और उसका भाई पुष्पेंद्र घटना में शामिल पाए जा रहे हैं। यद्यपि मुकदमे में नामजदी अन्य लोगों की भी है, उनके संबंध में विवेचना में साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। जैसे साक्ष्य पाए जाएंगे उसके आधार पर अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।